बयान के अनुसार हम यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने बयान दिया था अभी हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन निवेशक हमारे पास नहीं आते। हम निवेशक हैं, हम इनके पास आए हैं। हमारे पर 1 करोड़ रुपए की पॉलिसियाँ हैं, मुझे पैसा कागज जमा करेंगे, मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला था। इसलिए मैं आऊँ 17 मध्य प्रदेश हमारा। हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सप्ताह मैंने एक वीडियो डाली थी, कुछ PACL और सहारा के निवेशक जो थे वित्त मंत्रालय के ऑफिस के सामने डट गए थे। और आप सबको याद होगा कि महीनों पहले लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आश्वासन दिया था कि पेपर लेकर आओ, हम पैसे देने के लिए खड़े हैं। तो उसी बात पर सभी पेपर लेकर वित्त मंत्रालय के यहाँ गए थे और वहाँ उनको सफलता भी मिली। और उनके जो सेक्रेटरी हैं सुरभि जैन जी, सबको हम बताए कि 1 महीने के अंदर आप लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर सकारात्मक नतीजा मिलेगी। तो इस वीडियो में आगे उन लोग क्या कहे इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आप इसे ध्यान से सुने और वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें। मंत्रालय के डेलीगेट ने बाहर आकर खुद ली निवेशकों से, तो आज ये एक बड़ी सफलता है। आज जो लोग घर में बैठे हुए हैं, यदि वो भी आते तो उनके भी डॉक्यूमेंट जमा हो जाते और कहीं ना कहीं आज और ज्यादा बड़ी सफलता की तरफ हम बढ़ते। लेकिन एक बड़ी बात है कि वित्त मंत्रालय ने कमिट किया है कि हम 1 महीने के अंदर अंदर आपको सकारात्मक रिजल्ट देंगे, लिखित में देंगे। हम पूरे देश के पल्स निवेशकों को यह बताना चाहते हैं कि अगर 1 महीने के अंदर हमें कोई लिखित में उनसे सकारात्मक पहल नहीं मिलती है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आज यहीं से उन्हीं के सामने हम लोगों ने अनाउंस कर दिया है कि यदि आज 1 महीने में नहीं होता है तो हम 3 फरवरी 2025 को पुनः इससे भी 10 गुनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होंगे और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। तो कृपया सभी तैयार रहें। अगर हम सफल होते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है, तो हम इनका धन्यवाद करेंगे, और अगर ये फिर से वादा खिलाफी करते हैं तो हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे वित्त मंत्रालय पर ही। अंदर क्या बात हुई आपकी? अंदर हमारी बात, उनका नाम क्या था? बात माननीय वित्त मंत्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरभि जैन IAS से बात हुई है, और 1 घंटा ये सिर्फ बात नहीं, ये चर्चा हुई है। आपस में कई बिंदुओं पर वार्तालाप हुआ है, उन्होंने कई बिंदु हम लोगों को बताए, हमारे कई बिंदुओं को उन्होंने नोट डाउन किया है, और हमें ये पूर्ण आश्वासन दिया है कि आप पल्स निवेशकों की बात को हम सुप्रीम कोर्ट में, लोधा कमेटी में सरकार की ओर से रखेंगे। साथ ही सेबी से जिन कार्यों को कराया जा सकता है उनका तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन नहीं भरोसा दिया है कि सेबी से जो जो कार्य कराए जा सकते हैं, जैसे कि जिन निवेशकों को उनके स्टेटस में लैंड अलॉट दिख रही है उनके लैंड अलॉट के ऑप्शन को कैंसिल कराया जाएगा, जिन निवेशकों का स्टेटस सही तरीके से नहीं दिखता उनको मेरिट के आधार पर स्टेटस देखने की बात करी गई है। साथ ही साथ नया पोर्टल जल्द से जल्द जारी कराने की भी बात की गई है, जो हमारे 4.5 करोड़ से ऊपर पल्स निवेशक अपना क्लेम नहीं कर पाए उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हम लोगों ने बात रखी है। उन्होंने ऑनलाइन पर सहमति दी है और ऑफलाइन के लिए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति के बाद हम ऑफलाइन की भी जो व्यवस्था है आपके हर स्टेट में रीजनल ऑफिस में व्यवस्था देंगे। तो ये कई बिंदुओं पर जिनके पेपर कंपनी ऑफिस में जमा है उनके क्लेम कैसे होंगे, जिनकी मृत्यु हो गई है उनके क्लेम कैसे होंगे, जिनकी रसीदें पूरी नहीं है उनके क्लेम कैसे होंगे, जिनके पास पॉलिसी बॉन्ड ही गुम गया है उनके क्लेम कैसे होंगे, ETC सारे विषयों पर, और जो पीछे छूट गए हैं, जैसे 2500 का पेमेंट हुआ लेकिन 2500 के हजारों निवेशक हमारे छूट गए हैं, 5000 का पेमेंट हुआ 5000 के हजारों निवेशक, तो उन निवेशकों के बारे में भी रेक्टिफिकेशन के संबंध में चर्चा हुई है और उन निवेशकों को लाइन में लाकर उनका भुगतान पहले करने की बात करी गई है। साथ ही साथ ये भी बात करी गई है कि किसी को यदि मेडिकल इलनेस है, कोई चिकित्सकीय समस्या है, कोई गंभीर समस्या आ जाती है परिवार में, ऐसे परिवार को उसके निवेश का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर उसके दस्तावेजों के सत्यापन के बाद दिया जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं विस्तार से, महेंद्रपाल सिंह जी आपको बताओ। तो आज जो प्रोटेस्ट हुआ है वो प्रोटेस्ट सकारात्मक हुआ है और प्रभावी हुआ है। धन्यवाद।